हेलो। तो इस बार भरत कुमार प्रजापति की तरफ से कमेंट आया है। यार पहले तो नाम ही बहुत भारी भरकम है आपका, और हाँ कमेंट इनका है कि ब्रो प्लीज मेक अ वीडियो ऑन योर टॉप 10 फेवरेट रेसलमेनिया अरीना स्टेजेस। ओके ब्रो, ले आया हूँ मैं आपके लिए वीडियो और मैं बिल्कुल बताऊंगा अपने फेवरेट रेसलमेनिया स्टेजेस। पर उससे पहले बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी कोई टॉपिक चाहते हो अगले इवेंट पर विच इज नन अदर देन रेसलमेनिया, तो आप क्या करो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, क्या पता अगली वीडियो आपके टॉपिक पर बन जाए। फिलहाल हम भरत कुमार प्रजापति की डिमांड को पूरा कर लेते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ऑल सेट टू रेसल फैम, माय नेम इज सर एंड विद दिस वीडियो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैंने तो अपनी पहली रेसलमेनिया रेसलमेनिया 26 देखी थी, तो मैं आपको उन्हीं रेसलमेनिया से अपने फेवरेट स्टेजेस बता सकता हूँ जो कि मैंने खुद लाइव देखे। ओके, तो नंबर 10 पर है रेसलमेनिया 34 का स्टेज जो कि हुई थी न्यू ऑर्लियंस ल्यूसियाना में, और इसका वेन्यू था मर्सिडीज बेंज सुपरडोम। और इमेजेस में तो आप देख ही सकते हो कि WWE ने एकदम क्वीन वाला सेट ये बना दिया था, और जब इसमें लाइट्स आ रही थी तो और भी ज्यादा मजेदार ये लग रहा था। नंबर 9 की मैं बात करूं तो वो पिछली रेसलमेनिया जो होकर गई है रेसलमेनिया 37 का स्टेज जो कि हुई थी रेमंड जेम्स स्टेडियम टैंपा फ्लोरिडा में, और लोकेशन के हिसाब से WWE ने बहुत ही प्यारा सेट ये बनाया था। WWE ने रेसलमेनिया के स्टेज को ही शिप जैसा स्ट्रक्चर दिया था जो कि देखने में बहुत ही कमाल का लग रहा था, और ऊपर से उसके ऊपर पायरेट्स वाला फ्लैग। हाँ बस साइड में उन्होंने थोड़ी सी LED स्क्रीन्स लगा दी थी जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, इसलिए यार आपको रेसलमेनिया 35 भी पूरी लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगी। चलो नंबर 8 की तरफ मैं चलता हूँ। इट्स रेसलमेनिया 27 जो की हुई थी जॉर्जिया डॉम में, द रॉक इस रेसलमेनिया के होस्ट थे, और यार बहुत ही डिलाइटफुल सा स्टेज WWE ने बना दिया था, और पिक्चर्स में तो आप देख ही सकते हो यार कि क्या कमाल की क्या कहते हैं उसे, चलो जो भी कहते वो कर दी थी WWE ने स्टेज में। नंबर 7 की तरफ मैं चलता हूँ, विच इज द स्टेज ऑफ रेसलमेनिया 30 जो कि अगेन हुई थी न्यू ऑर्लियंस ल्यूसियाना में, और हाँ बहुत सारी मेमोरीज तो है रेसलमेनिया 30 के साथ, और साथ ही साथ रेसलमेनिया 30 का ये कमाल का स्टेज, और बिल्कुल वैसा ही WWE ने स्टेज बना दिया था जैसा कि इसका लोगो था, और जब वहां से सुपरस्टार्स एंट्रेंसेस करते हुए आ रहे थे क्या कमाल का लग रहा था यार वो नजारा। ओके नेक्स्ट, नंबर 6 की तरफ मैं चलता हूँ जो कि है रेसलमेनिया 28 का स्टेज, और ये रेसलमेनिया हुई थी मियामी गार्डन्स फ्लोरिडा में, और इसका वेन्यू था सन लाइफ स्टेडियम, और WWE ने भी बिल्कुल इसे सन लाइफ जैसी फील दी थी क्योंकि इसका स्टेज बिल्कुल एक बीच हाउस सा लग रहा था। वैसे मुझे पता नहीं बीच हाउस क्या होता है, लेकिन बिल्कुल बीच वाली फील थी जैसे कोई बिल्कुल समंदर के किनारे आ गया हो। अपने फेवरेट नंबर 5 की तरफ मैं चलता हूं जो कि है रेसलमेनिया 31 का स्टेज जो कि हुई थी लीवाई स्टेडियम में, और यहां लोगों की अटेंडेंस थी 76,976 जो कि यार ऑलरेडी स्टेडियम को एक कमाल का फील तो दे ही रही थी, ऊपर से क्या स्टेज था WWE ने इसका बनाया हुआ, ये जितना रात में कमाल का दिख रहा था जब दिन था उस टाइम ही उससे भी ज्यादा कमाल का दिख रहा था। ओके नाउ नंबर 4 की तरफ मैं चलता हूँ जो कि है रेसलमेनिया 32 का स्टेज, और ये रेसलमेनिया हुई थी AT&T स्टेडियम डैलस टेक्सास में, एग्जैक्टली जहाँ रेसलमेनिया इस साल होने वाली है वहीं पर। बाकी यार सिर्फ इसका स्टेज नहीं पूरा स्टेडियम ही कमाल का था, एक तो वैसे ही 1,00,000 से ऊपर लोग आए थे जो कि वैसे ही रेसलमेनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, और ऊपर से क्या बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई थी, नहीं सामने नहीं लगाई थी ऊपर लगाई थी, और जिस तरह की लाइटिंग की थी WWE पूरे स्टेडियम में। रेसलमेनिया जैसी भी हुई हो स्टेज और स्टेडियम इस रेसलमेनिया का कमाल का था। अब बचे मेरे फेवरेट टॉप 3 स्टेजेस जिसमें नंबर 3 पर है रेसलमेनिया 26 का स्टेज, और हाँ ये पहली रेसलमेनिया जो मैंने देखी थी, तो डेफिनेटली उसकी मेमोरीज और उसका जो कनेक्शन है दिल के साथ वो तो है ही, पर यार ये क्या कमाल का स्टेज था। WWE ने स्टेज को पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में बनाया था, रिंग के आसपास भी बिल्कुल पिरामिड से क्रिएट किया था यार, जो कि माइंड ब्लोइंग लग रहा था। जैसे जैसे ज्यादा अंधेरा हुआ और लास्ट मैच आया अंडरटेकर और शॉन माइकल्स का, और जो लाइटिंग WWE ने कर दी इस पूरे स्टेडियम में, फिर तो क्या ही लगने लगा यार पूरा स्टेडियम। अगर आप देखना चाहते हो पूरा तो सारी रेसलमेनियाज की इंट्रो की एक वीडियो डाली WWE ने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाकर देखना जरूर, बहुत ही कमाल का लगेगा आपको। और यार अब नंबर 2 स्टेज की तरफ मैं चलता हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि नंबर 1 पर किसे रखूं और नंबर 2 पर किसे रखूं, क्योंकि दोनों ही मुझे इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं स्टेडियम, पर यार किसी ना किसी को तो रखना था ही। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था कि आपको बोलूं कि दोनों को नंबर 1 पर रख रहा हूं मैं, इसलिए मैंने एक को रख दिया नंबर 2 पे। और जो नंबर 2 पर स्टेज है वो है रेसलमेनिया 33 का स्टेज, ये रेसलमेनिया हुई थी ऑरलैंडो फ्लोरिडा में, मुझे अभी भी याद है, मैं अपनी 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम देके फटाफट घर वापस आया था, बहुत ही अच्छी मेमोरीज है इस रेसलमेनिया के साथ। चलो ये तो रही बाकी की बात, लेकिन यार इसका स्टेज तो देखो क्या कमाल का स्टेज WWE बनाया था, और इसके रिंग के ऊपर एक और रिंग लाइक स्ट्रक्चर WWE बनाया था जो कि और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था, और मैंने तो इसकी वो वीडियोस भी देखी हैं जो कि पब्लिक ने खुद शूट की हैं। और यार अगर रियल लाइफ में स्टेज को देखा जाए तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही आइकॉनिक रेसलमेनिया स्टेजेस में से एक है। दिन में जितना कमाल का लग रहा था, रात में जब लाइटिंग आई इस पूरे स्टेज में तब तो यार क्या ही लगने लगा।
स्टेज। आप इसका स्टेज रिवील जरूर देख लेना यूट्यूब पे, मजा ही आ जाएगा। चलो एंड द फाइनल स्टेज, माय फेवरेट स्टेज ऑफ देम ऑल, रेसलमेनिया 29 का स्टेज। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मेरी थीम सॉन्ग वाली वीडियो जरूर देख लेना। जब वो थीम सॉन्ग और इसका स्टेज एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और जब वो थीम सॉन्ग इस स्टेडियम में बजता है, पता नहीं क्यों मेरी आंखों में बिल्कुल आंसू आ जाते हैं। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, इतना कमाल का स्टेज ये WWE ने डिजाइन किया था। जिसको भी इस स्टेज का आइडिया आया था यार, हैट्स ऑफ टू हिम। रेसलमेनिया 29 हुई थी मेटलाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी में और बिल्कुल वही की फील इसे दी गई थी। ब्रुकलिन ब्रिज हमें देखने को मिला, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमें देखने को मिला रिंग के बिल्कुल ऊपर। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं इसके स्टेज और स्टेडियम को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब मन करता है कि यार हम खुद वहां पर हो। पता नहीं कब वो दिन आएगा, लेकिन जब भी आए जल्दी आए। और इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म भी, और थैंक यू कहते हैं भरत कुमार प्रजापति को, क्योंकि इनकी वजह से मुझे दोबारा से सारे रेसलमेनिया स्टेजेस को रिलीव करने का मौका मिल गया। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से। एंड हां, अगर आपको रेसलमेनिया 38 का डेट एंड टाइम नहीं पता है तो ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करना, और मेरी फेवरेट रेसलमेनिया थीम सॉन्ग्स की वीडियो देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पे। पर इन दोनों में से किसी भी पे क्लिक करने से पहले अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, और रेसलिंग रिलेटेड और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और साइड नोटिफिकेशन बेल होगा यार उसे भी ऑन कर लेना, उसे क्यों छोड़ना है। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज जय लॉगिंग आउट।